हेलो दोस्तों, आज आपके डिमांड पे ये मोजा लेकर हम आए हुए हैं। बिल्कुल सेम तरीके से बनाए हैं, सिर्फ यहाँ पे ऊपर का डिज़ाइन कुछ अलग तरीके से डाले हुए हैं। यहाँ जिस तरह का इलास्टिक हम उस मोजा में डाले हुए थे, उसी तरह का इलास्टिक यहाँ भी है। इलास्टिक नुमा यहाँ डबल बॉर्डर के द्वारा हम बनाए हुए हैं। ये इलास्टिक का काम करता है और ये 7 नंबर का है। 7 नंबर का बनाए हैं। आइए देखते हैं ये किस तरह से बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम 10 नंबर की सिलाई ले लेंगे। वो सिलाई हमारी इस तरह की जो होगी, गला बिनने का, या तो आप फिर राउंड कांटा ले लें, राउंड सिलाई ले लें। और लेने के बाद में हम इस पे अलग कलर का ऊन से 26 फंदा यहाँ पे डालेंगे। 26 फंदा डाल लेने के बाद में हम जो जिस कलर से हमें बुनना है मोजा, उस कलर से, उस कलर को यहाँ जोड़कर हम इस तरह से जोड़ लेंगे उनको। अब हम यहाँ बिल्कुल टाइट हमें जरा भी नहीं बिनना है, ढीला ढीला हाथ से यहाँ पे हमें बुनाई करते जाना है सीधा। आठ फंदा एक सिलाई पे लिए। अब हम दूसरा सिलाई लगाएंगे और इस पे भी हम कुछ फंदा डाल लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ फंदा इस पे भी डाल लिए। अब तीसरा सिलाई लेंगे हम। तीसरा सिलाई लेने के बाद इस पे भी हम जो फंदा यहाँ बचा हुआ है, जितना भी फंदा, उसे हम इस सिलाई पे ले आएंगे बुनते हुए। इस तरह से इस सिलाई पे आ गया। अब हम इसे इस ढंग से अब देखिए, इस सिलाई पे हमें यहाँ मिलाते हुए हमें फंदा लेना है। सीधा हम बुन रहे हैं तो सीधा ही बुनेंगे। यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे इस ढंग से, और ये ऊन को पकड़कर, और इससे हम बुनना शुरू करेंगे सीधा। जब हम ये एक फंदा बुनेंगे तो टाइट कर लेंगे, इसके बाद फिर दूसरा ढीला ढीला, हल्का ढीला बुनते हुए हम इसे गोलाई में, पूरा गोलाई में बुनते हुए हम इसे 7 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए हम 7 लाइन में कंप्लीट करेंगे। ये दूसरा लाइन जा रहा है। ये बुन लेंगे तो 2 लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, फिर तीसरा शुरू होगा। इसी तरह हमें गोल घुमाते हुए मैं इसे 7 लाइन में बुनना है। आप यहाँ से गिन लें, आप यहाँ से गिन सकती हैं कितना लाइन कंप्लीट हुआ है।
ये यहाँ पे हम 7 लाइन बुनकर कंप्लीट कर चुके हैं। 7 लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद देखिए इसे हमें डबल बॉर्डर का रूप कैसे देना है। सो एक पहला फंदा जो रहेगा ये तो हम उल्टा बुन लेंगे, ये हो गया उल्टा। अब पहला फंदा बुनने के बाद एक इस सिलाई से हम फंदा लिए हुए हैं और दूसरा फंदा हम यहाँ से लेंगे। ये जो है यहाँ से दूसरा फंदा लेंगे, ये दूसरा फंदा बुनेंगे सीधा, एक उल्टा एक सीधा का हम बॉर्डर बना रहे हैं। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये एक उल्टा बुन लिए, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये जो देख रहे हैं आप, ये मैरून के नीचे जो आप देख रहे हैं कलर से फंदा लिया हुआ है, डाला हुआ है, इस फंदे को हम उठाएंगे सिलाई पे। इस तरीके से उठा लेंगे सिलाई पे और इसे हम सीधा बुनेंगे, एक सीधा एक उल्टा, तो ये सीधा बुन दिए। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, अब सिलाई पे एक फंदा सिलाई से बुनेंगे उल्टा, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये फंदा को उठाएंगे और इसे हम सीधा बुन लेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और यहाँ से ये वाला फंदा को हम उठाएंगे और सीधा बुनेंगे। इस तरह से एक यहाँ से बुनेंगे और एक इसमें से लेते चले जाएंगे, बुनकर हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। एक सीधा एक उल्टा, अगर आप चाहें तो इसमें दो सीधा दो उल्टा का भी बॉर्डर बुन सकती हैं। इस तरह से एक सिलाई का जितना भी फंदा था वो कंप्लीट हुआ यहाँ पे। देखिए कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है देखने में। अब इसे फिर हम ये दोनों लाइन का भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। कंप्लीट हो जाने के बाद में इसे हम खोल लेंगे इस तरीके से। इसे अगर आप ढंग से खोलेंगी तो ये आराम से खुल जाएगा। दोनों धागा को हम उनको हम इस तरह से निकाल कर इसे बिल्कुल अलग कर लेंगे। इस तरीके से तो अलग कर जब हम अलग कर लेंगे तो देखिए ये इस तरह से देखने में लगेगा, जो आप लगेगा जैसे कि यहाँ पे इलास्टिक डाला हुआ है। इस तरह से आप इसे खोल कर इस धागे को अलग कर लें। इसके बाद ये जब हम खोल लेंगे, इसके बाद हम फिर इधर से बिल्कुल सीधा बुनेंगे। सीधा बुनते हुए हम 4 लाइन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सीधा उल्टा हमें नहीं बुनना है, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर हमें नहीं बुनना है, सिर्फ सीधा बुनते हुए गोलाई से 4 लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हम यहाँ तक बुन लिए हैं। बुन लेने के बाद में हम ऊन जोड़ लेंगे। अब देखिए हम इस डिजाइन को बनाएंगे। ये डिजाइन बिल्कुल सिंपल है। एक मैरून कलर से डालेंगे, एक इस दोनों कलर से एक एक फंदा डालते हुए हम एक लाइन कंप्लीट करेंगे। फिर दूसरे लाइन में हम मैरून कलर जहाँ पे है वहाँ हम दूसरे कलर को डालेंगे। इस तरह से करते हुए दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, 3 लाइन में इसे हम बुनकर कंप्लीट किए हुए हैं। तो सबसे पहले इसे हम बनाएंगे। एक फंदा इस कलर से डालेंगे, दूसरा फंदा इस कलर से।
इस तरह से हम तीन लाइन बुन लेंगे। ये देखिए एक लाइन में इसे हम बुनकर कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला लाइन हमें किस तरह बुनना है, ये यहाँ पे मैरून कलर है, यहाँ ठीक हम दूसरा कलर डालेंगे। दूसरा सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पे, ये दूसरा लाइन चल रहा है, एक लाइन कंप्लीट हो चुका है, ये इस कलर से डालें। अब जो यहाँ पे ये कलर है तो इसके ठीक हम विपरीत कलर यहाँ पे डालेंगे, ये हो गया, फिर इसके विपरीत कलर यहाँ पे डालेंगे। इस तरह से हम ये दूसरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम तीसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल, एकदम बिल्कुल ही सिंपल हम डिजाइन यहाँ पे डाले हुए हैं। तो ये तीन लाइन में कंप्लीट कर लेने के बाद एक लाइन हम इस कलर से सीधा एक लाइन बुन लेंगे। इसके बाद हम इस डिजाइन को देखेंगे कि ये किस तरह से बुना हुआ है। ये डिजाइन बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पे जो ये इस तरह का बना रहता है, ये यहाँ पे आप जब पहनेंगी तो अगर टाइट हो रहा है तो वो इस तरह से इलास्टिक का काम करता है ये डिजाइन, इसलिए हम इस डिजाइन को यहाँ पे डाले हुए हैं। इस तरह से इसे हम तीन लाइन में कंप्लीट किए, एक दो ये तीन, तीसरा लाइन यहाँ पे सिलाई पे डला हुआ है। अब हम इसे एक लाइन बिल्कुल प्लेन बुनेंगे इस कलर से, ताकि हम डिजाइन फिर आगे बना सकें। इस तरह से ये हम बिल्कुल प्लेन बुन चुके हैं एक लाइन। अब हम देखिए इसे बुनेंगे, ये चीज़ जो है, ये चीज़ बुनेंगे किस तरह से बुनते हैं। बुनना शुरू करेंगे, पहला लाइन हम बुनेंगे दो सीधा और दो उल्टा, एक ये दो, दो सीधा हो गया, अब हम दो उल्टा बुनेंगे, एक दो, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और दो सीधा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, दो उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब हम जो यहाँ पे हम एक लाइन बुन चुके हैं, इसे हम निशान के तौर पे यहाँ बाहर की ओर रहने दिए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी क्लिप वगैरह कुछ भी लगा सकती हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से हमारा फिर ये दूसरा राउंड शुरू होता है। तो दूसरा राउंड में हमें क्या करना है, इसे हमें उल्टा, एक उल्टा हमें बुनना है यहाँ पे। तो एक उल्टा बुनते हैं, ये इस तरह से एक उल्टा बुन लेंगे, फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे और अब हमें दो सीधा बुनना है, एक और एक दो सीधा, यानी देख रही हैं आपकी ये उल्टा था, उल्टा पे सीधा बुने हैं, अब एक उल्टा बचा है इधर, फिर दो सीधा बचा है। तो अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और दो उल्टा बुनेंगे। इस तरह से एक एक हमारा ये फंदा जो है आगे बढ़ते चला जाएगा, यानी यहाँ पर सीधा है तो यहाँ अगला एक सीधा आएगा, ये उल्टा है तो इसके बाद वाला फंदा उल्टा आएगा। इस तरह से हम
दो सीधा दो उल्टा बुनते हुए फिर हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। एक दो, दो सीधा फंदे की ओर को अपनी ओर लेंगे, दो उल्टा, फिर फंदे को नीचे की ओर लेंगे, दो सीधा फंदे को अपनी ओर करेंगे, दो उल्टा। इस तरह से इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब आगे हमें क्या करना है। यहाँ पर हम इस तरह से दो लाइन कंप्लीट कर चुके हैं, अब आगे ये उल्टा है तो यहाँ पे हमें उल्टा, इस स्थान को भी उल्टा बनाना होगा। ये एक उल्टा दूसरा उल्टा, यहाँ सीधा चला आ रहा है इसे हम उल्टा कर लेंगे, फिर ये सीधा ये सीधा, ये उल्टा ये उल्टा, इस तरह से बुनेंगे। जैसे कि ये हम देख रही हैं आप कि यहाँ पे एक दूसरा लाइन ख़त्म हुआ है, अब हम यहाँ तीसरा लाइन बना रहे हैं। तीसरा और ये डिजाइन का लास्ट लाइन बना रहे हैं, तो ये एक और एक दो, दो उल्टा हो गया, फिर से दो सीधा, एक और एक दो, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, यहाँ एक उल्टा और एक सीधा है तो यहाँ पे हम दो उल्टा करेंगे, एक और एक दो, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, एक और दो, दो सीधा। इस तरह से करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, ये डिजाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तीनों लाइन में हमें दो उल्टा दो सीधा बनाना है, सिर्फ इस चीज़ को ध्यान देना है उल्टा के ऊपर किस तरह से हम बनाए हैं, उल्टा के ऊपर सीधा, सीधा के ऊपर उल्टा, उस चीज़ को अगर आप ध्यान देंगी तो ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम तीसरा लाइन बना लेंगे, ये बनकर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये डिजाइन फिर इस तरह से उभर कर सामने आएगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये एक लाइन, ये डिजाइन को जब हम बुन लेंगे तो एक लाइन हम इसी कलर से सीधा बुन लेंगे, उसके बाद अगला लाइन हम डिजाइन बुनेंगे इस तरह से। देखिए कितना लाइन पे ये डिजाइन, हम तो बता चुके हैं यहाँ पे आप लोगों को कि किस तरह से बनता है। ये देखिए किस तरह से बनाएंगे हम, यहाँ पे कितना लाइन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लाइन में इसे कंप्लीट करेंगे। फिर एक बार हम ये ग्रीन कलर से ही पूरा सीधा एक लाइन बुन लेंगे, फिर से हम इसी डिजाइन को यहाँ पे बुनेंगे। इसके बाद फिर यहाँ तीन लाइन का बनाएंगे हम इसी ढंग से, एक लाइन सबसे पहले हम प्लेन बुन लेंगे इस कलर से सीधा, फिर तीन लाइन का ये डिजाइन बनाएंगे, फिर एक लाइन सीधा बुन लेंगे प्लेन इसी कलर से, इस कलर से फिर हम इसी डिजाइन को यहाँ पे बनाएंगे। और इसके बाद फिर देखिए हम कितना लाइन यहाँ प्लेन बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार लाइन हम प्लेन बुनेंगे। तो इतना हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम बॉर्डर कितना लाइन बुने हुए हैं वो बताएंगे, बॉर्डर के बाद फिर इस चीज़ को बनाएंगे। सबसे पहले हम इतना लाइन कंप्लीट कर लेंगे इतना दूरी तक। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ये डिजाइन बनाते हुए बॉर्डर यहाँ पे एक, यहाँ सबसे पहले इस डिजाइन को जब हम यहाँ ख़त्म किए हैं, इसके बाद यहाँ प्लेन हम बुने हैं चार का सिलाई, सीधा तरफ से चार सिलाई हम प्लेन बुन चुके हैं यहाँ पे। अब प्लेन बुन लेने के बाद में बॉर्डर हम देखिए कितना सिलाई बुने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह,
11 सिलाई हम बॉर्डर बुन चुके हैं। 11 सिलाई बॉर्डर बुनने के बाद में अब हमें देखिए क्या करना है, एक सिलाई पे हमें 24 फंदा लाना है। तो हम इस सिलाई को देख लेते हैं, इस सिलाई पे कितना फंदा है, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 16 फंदा है। तो हमें इससे बीनते हुए यहाँ पे 24 फंदा लाना है। अभी हमारे पास यहाँ 16 फंदा है, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस। ये 24 फंदा हो गया। अब हम यहाँ पे देखिए क्या बुनेंगे, ये चीज़ जो बुने हुए हैं यहाँ पे, हम ये 24 फंदों का बुने हुए हैं ये चीज़, तो ये हम कितने लाइन में बुनेंगे, ये 18 लाइन में हम इसे बुनकर तैयार कर लेंगे। यानी 24 फंदों को हम 18 लाइन प्लेन इस तरह से बुनेंगे, बाकी फंदों को हमें छोड़ देना है। इसे कंप्लीट सबसे पहले कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी फंदों को बुनेंगे। तो ये 24 फंदा सिर्फ उल्टा सीधा बुनना है, उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा। तो ये हमारा सीधा तरफ का है, ये उल्टा का है, तो हम अभी उल्टा तरफ से सिलाई चलाएंगे। ये एक सिलाई कंप्लीट हुआ और हमें 17 सिलाई इसी तरह बुनना है। यहाँ एड़ी बन रहा है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम फिर से सीधा तरफ से सीधा बुनेंगे। ये सिलाई नंबर दूसरा। अब इन फंदों को हमें छोड़ देना है, सिर्फ इसे ही हमें 18 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेना है। तरह से देखिए यहाँ पे हम 18 लाइन बुन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे कि देखिए इस पे हम 18 लाइन बुन चुके थे यहाँ पे, तो 18 लाइन बुनने के बाद में हमें ये चीज़ बनाना है। यहाँ से यहाँ तक 18 लाइन बुन चुके हैं, अब हमें इस चीज़ को बनाना है। तो ये चीज़ किस तरह से बनेगा ये देखते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 8 8 8 तीन भाग में इन फंदों को हम बांट लेंगे। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये एक भाग में बट गया। अब यहाँ पे है हमारे पास 16 फंदा, तो ये दो भाग यानी कि यहाँ भी हम बांट लेंगे 5 6 7 8, इस तरह से 8 8 हो गया। तो हम इसे बांटते हुए, हम बीनते हुए इसे बांटेंगे। तो देखिए बिनना क्या है, इन ये फंदा इस तरफ का 8 और इस तरफ का 8, जब हम बीनेंगे तो ये फंदा दोनों तरफ का एक एक करते हुए ख़त्म हो जाएगा और ये 8 फंदा हमारे पास रह जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पे देखिए यहाँ 8 फंदा है, एक फंदा को हम इस जगह पे ले लेंगे और दो का एक करेंगे, दो का एक करेंगे तो एक फंदा इधर से कम हो जाएगा, ये एक फंदा कम हो गया। अब ये एक फंदा हम गिनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां में इधर से एक फंदा लेना है और यहाँ का एक फंदा लेना है और इस तरह से दो का हम एक कर देंगे। ये हो गया 8वां फंदा, हमारे पास यहाँ 8 फंदा रह गया। अब इस तरफ 7 हो गया, इस तरफ 7 हो गया। अब हम इसी जगह से इस तरह से घुमा लेंगे, हमें इस तरफ नहीं बिनना है। फिर से पहला फंदा उतार लेंगे और ये 2 3 4 5 6
सात, अब आठवां फंदा में, ये आठवां फंदा है, तो अगर आप एक तरफ से सीधा तरफ से ही अगर आप गिराना चाहती हैं, घर को बंद करना चाहती हैं अगर फंदों को, तो आप सीधा तरफ से ही कर सकती हैं जैसा कि हम अभी बतलाएं, लेकिन आपको एक तरफ से करना पड़ेगा उल्टा, ये आठवां फंदा, ये आठवां फंदा हम इस तरह दो का एक कर लेंगे। यहाँ से आप गिनेंगी 4 5 6 7, ये आठवां फंदा, तो एक फंदा फिर हम इस तरफ से ले लेंगे। एक फंदा ले चुके हम इस तरफ से, अब देखिए अब इसे हम फिर पलट लेंगे और पहला फंदा उतार लेंगे। अब बुनेंगे हम आगे 3 4 5 6 7, अब ये आठवां फंदा में फिर हमें दो का एक करना है, इस तरह से दो का एक, ये हो गया। अब इस तरफ हमारे पास 6 फंदा बचा हुआ है, यहाँ भी हमारे पास 6 फंदा बचा हुआ है, तो ठीक इसी तरीके से हम यहाँ बंद करते हुए जब हमारे सिलाई पे 8 फंदा रह जाएगा तब हम इसे बुनना बंद कर देंगे। यहाँ भी हम दो का एक कर लेंगे, पलट लेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, बाकी फंदों को बुनेंगे। दो का एक करेंगे, पलट लेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, बाकी को बुनेंगे। दो का एक करेंगे, फिर से पलट लेंगे। यही क्रम को हम दोहराते हुए सारे फंदों को बुन लेंगे। अब देखिए अब हमारे पास 3 फंदा बच चुका है, तीन फंदा बचा है, अब इस सिलाई पे एक फंदा बचा है, अब ये इस सिलाई का लास्ट फंदा भी हम इस तरीके से बुन लेंगे। एक तरफ हमारे पास फंदा खत्म हो गया, अब ये एक लाइन और बचा हुआ है बुनने को, ये लास्ट लाइन इसका बुनकर हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम दूसरे तरफ से फंदों को उठाकर बुनना शुरू करेंगे, ये लास्ट यहाँ पे खत्म हुआ, हो गया।
देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो जगह है जहाँ पर हम 18 लाइन बुने हुए थे, इस स्थान से हमें 8 फंदा उठाना है, जो कि हम 8 फंदा इस तरफ बंद किए, उन 8 फंदों को हमें यहाँ पे उठाना है। हमारा शुरुआत में यहाँ पे 24 फंदा था, हमें 8 फंदा इस तरफ से उठाना है और इस तरफ से 8 फंदा उठाना है। तो हम सबसे पहले इस तरफ से 8 फंदा ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 8, हो गया 8 फंदा। अगर आप इसे नहीं लेकर यहाँ से भी लेंगी तो ठीक रहेगा। तो हम इस तरह से 8 फंदा यहाँ पर उठा चुके हैं। अब इसे इस सिलाई पे कर लेंगे और बुनेंगे। देखिए अब इस सिलाई पे हो चुका है 8 फंदा। अब हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। अब इस तरफ का भी बुनाई हमें करते चले जाना है, सीधा सीधा। अब बॉर्डर यहाँ पे बंद हो जाएगा और सीधा बुनना शुरू करेंगे। जब हम यहाँ से बुनते हुए यहाँ तक लाएंगे, तब इस जगह पे भी हमें 8 फंदा उठा लेना है। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ से बुनते हुए यहाँ तक ला चुके हैं। अब यहाँ पे हमें 8 फंदा फिर से उठाना है, तो ये 8 फंदा हम उठा लेते हैं इस सिलाई पे। यहाँ से हम 8 फंदा उठाना शुरू करेंगे, ये रहा। पहला फंदा, दूसरा, 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। ये 8 फंदा हो गया। अब ये 8 फंदा को भी हम बुन लेंगे। देखिए इस तरह से 8 फंदा उठा लिए। अब ये 8 फंदा भी हम सीधा बुन लेंगे। तो जो फंदा हम बंद किए थे, 8 8 फंदा दोनों तरफ से, तो 8 8 फंदा हम इस पे उठा चुके हैं, यानी सिलाई पे हम डाल चुके हैं। अब हमारा जितना फंदा था शुरू में, उतना फंदा यहाँ पे हो गया है, ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें इसे बुनते हुए, ये गोलाई में बुनते हुए में 34 लाइन 34 लाइन्स कंप्लीट करना है। 34 लाइन जब हम कंप्लीट कर लेंगे, देखिए जैसा कि यहाँ पे है, यहाँ से बुनते हुए हम यहाँ तक में 34 लाइन कंप्लीट किए हुए हैं। जब 34 लाइन कंप्लीट हो जाएगा ये बुनकर, तब हम यहाँ पे घटाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बीच का जो लाइन है इसे बुनकर सीधा कंप्लीट कर लेते हैं। इसे हम यहाँ तक बॉर्डर तक कंप्लीट करने के बाद में, यहाँ पे बोले थे 34 लाइन पूरा करने, लेकिन हम चूंकि 7 नंबर का बना रहे हैं इसलिए 45 लाइन यहाँ पे हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए 45 लाइन जब हमारे पास यहाँ तैयार हो जाएगा, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें गिनना है 45 लाइन। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हम एड़ी निकाले हुए हैं यहाँ पे, एड़ी बुने हुए हैं, इस ये 24 फंदों का है, तो ये 24 फंदा और एक इधर से ले लेंगे 25 फंदा और एक इधर से ले लेंगे 26 फंदा। हमारे पास एक सिलाई पे ये 26 फंदा हो जाएगा। जो हम एड़ी बनाए यहाँ पे 24 फंदों का, वहाँ पर हम एक इस तरफ से ले लेंगे और एक इस तरफ से ले लेंगे, तो हमारे पास सिलाई पे हो जाएगा 26 फंदा और इस सिलाई पे भी हो जाएगा 26 फंदा। इस सिलाई पे 26 फंदा हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए छब्बीस फंदा इस सिलाई पे भी है, तो इतना
ऐसा हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे फंदे को कम करेंगे यानी घटाना शुरू करेंगे। घटाएंगे देखिए इस तरह से, जैसे कि हम यहाँ से लिए हुए हैं, ये फंदा यहाँ से ले लिए। अब ये दोनों साइड से हम यहाँ घटाना शुरू करेंगे, 7 बार हम घटाएंगे और इसके बाद जो भी बचा हुआ फंदा है उसे हम सुई के द्वारा सिल देंगे। तो अब इसे देखिए किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हमें 2 का 1 करना है, इसकी गिनती हम नहीं करेंगे। ये 2 फंदा सिलाई धागा जिधर है उधर से हम पहले शुरू करेंगे। हमारे पास यहाँ पे है धागा, ऊन यहाँ पे है, तो हम इस स्थान से बुनना शुरू करेंगे। ये इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से और इस पे ले आएंगे। इसके बाद दोनों को एक करते हुए हम इस तरह से बुन लेंगे। ये हो गया। ये हो गया। अब यहाँ हम हल्का टाइट कर लेंगे। इसके बाद इधर भी हम बाकी जितना भी फंदा है सबों को हम बुन लेंगे। आप इसे चाहें तो बुनते हुए 2 सिलाई पे भी ला सकते हैं। यहाँ पे आप 3 सिलाई के द्वारा भी बुन सकते हैं। जैसे कि देखिए 1 सिलाई हम रख दी है, अब इसे हम यहाँ पे इस तरीके से बुनते चले जाएंगे क्योंकि इसे हम 2 भाग में बांट चुके हैं। अगर आप ये 2 सिलाई पे ले आएंगी तो आपको बुनना आसान हो जाएगा। लास्ट का ये फंदा हम नहीं बुनेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 2 का 1 करना है, तो इससे इस फंदा को हम इस सिलाई पे ले आएंगे ताकि 2 का 1 हम कर सकें। ये हो गया 2 का 1। टाइट कर लेंगे फंदा को, फिर से हम बुनना शुरू करेंगे। ये एक बार हम दोनों किनारे से 1-1 फंदा घटाए हैं, लेकिन इस बार हमें 2-2 फंदा घटाना है दोनों किनारे से। तो देखिए वो किस तरह से घटेगा। अब यहाँ पे लास्ट 2 फंदा हम छोड़ देंगे और देखिए यहाँ पे लास्ट 2 फंदा हम छोड़ दिए। अब ये यहाँ पर हम 2 का 1 कर लेंगे। 2 का 1 हो गया। इसके बाद फिर इसे हम पलटेंगे। पलटने के बाद में अब इस सिलाई से हम 2 का 1 करेंगे। अब हमें 6 बार इसी तरह बुनना है। 1 बार उस सिलाई से 2 का 1 करेंगे और 1 बार इस सिलाई से 2 का 1 करेंगे। ये हो गया 2 का 1। फिर यहाँ हल्का टाइट कर लेंगे और बुनना शुरू करेंगे। अब जब बुनाई के लास्ट तक हम पहुँचेंगे तो फिर 2 फंदों को 2 का 1 करते हुए बुनेंगे। देखिए अब यहाँ पे लास्ट में 2 फंदा हमारे पास बच गया है। अब इसे हम 2 का 1 कर लेंगे। इस तरीके से 2 का 1 कर लिए। फिर हम पलटेंगे, इधर सिलाई को पलट लेंगे। अब पलटने के बाद में फिर से हम 2 का 1 करेंगे। ये इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से हमें बुनते चले जाना है। 7 लाइन हम बुन लेंगे। जब 7 लाइन बुन लेंगे हमारे पास फंदा
जितना बच जाएगा उसे हम सुई धागा की मदद से बंद कर देंगे, या तो आप दोनों सिलाई पर भी बंद कर सकती हैं बुनते हुए। यहाँ पे हम आप लोगों को सुई धागा से बंद करना बतलाएंगे। देखिए यहाँ भी दो का एक करेंगे, लास्ट में दो फंदा बच गया, इसे भी हम दो का एक करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे। देखिए अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कितना यहाँ पे बुने हैं, हम कितना लाइन बुने हैं, जब हम गिनेंगे इसे तो इस तरीके से गिनेंगे, एक दो, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस जोड़ को ही, इस चोटी को ही हम गिनेंगे, ये 7 बार होना चाहिए। इस चोटी को गिन लेंगे हम, 7 बार जब हो जाएगा तो बुनना बंद कर देंगे। अब देखिए अब इसे हम यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम इसे सिलेंगे। हमारे यहाँ सिलाई पे रह गया है 3, 6, 9, 11। 11 फंदा इस तरफ है, 12 फंदा इस तरफ है, तो ये फंदा से हम स्टार्ट करेंगे सिलना। आप बराबर फंदा भी रख सकती हैं। इस पे देखिए हम इस तरीके से हम सबसे पहले सुई को यहाँ पे डालेंगे, इस फंदे को हम गिरा देंगे, फिर हम इसे इस तरीके से डालेंगे, इस फंदे को भी गिरा देंगे, फिर हम ये फंदा लेंगे और इसे इस तरीके से डालेंगे। यहाँ आप बीच बीच में टाइट करती जाएं, ये फंदा भी गिरा देंगे, जो सिलते जाएंगे गिराते जाएंगे फंदा। फिर हम इसे लेंगे, इस पे जो हम सिले हुए थे वो फंदा हम लेंगे और ये फंदा है, और इसे यहाँ पे इस तरीके से फिर यहाँ पे हम इसे गिरा देंगे, फिर इस पे हम सुई को डालेंगे और इसे इस तरीके से लेंगे, इसे भी गिराएंगे, फिर इस पे सुई को डालेंगे और इस तरीके से, आप ध्यान दें, इस तरीके से हम सिलते चले जाएंगे। गिरा हुआ फंदा से हम ये लेंगे और एक इस सिलाई का इसे गिरा देंगे, फिर हम ये गिरा हुआ फंदा है इस पे डालेंगे सिलाई। देखिए ये है गिरा फंदा, इस पे सिलाई डाल सुई डालेंगे और इधर डालेंगे सुई, इसे गिरा देंगे, फिर इस पे से लेंगे हम और इसमें से एक फंदा इस तरह से हम सिलते हुए सारे फंदों को गिराते चले जाएंगे। हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा सिलाई। ये आप सिलते जाएं और हल्का हल्का इसे टाइट भी करते जाएं। इस तरह से ये भी हम सिल चुके हैं, इसे भी गिरा देंगे, फिर इस पे हम सुई को डालेंगे
और इस सिलाई का एक फंदा पे सुई को डालेंगे, इसे भी जो सिले हैं उसे गिरा देंगे, फिर इस पे सुई को डालेंगे और इस पे डालेंगे। अब हमारे पास तीन फंदा बचा हुआ है। देखिए लास्ट भी हमें इसी तरीके से सिल लेना है। ये फंदा भी हम गिरा देंगे, दो फंदा बचा रह गया, इस पे सुई को डालेंगे और ये इस तरीके से ये फंदा कंप्लीट हुआ, एक सिलाई का फंदा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से ये सिलाई इस पे से इस पे डालेंगे, यहाँ ये बनकर कंप्लीट होता है। अब सुई को अंदर की ओर ले जाएंगे, इसे अब हम अंदर की ओर ले जाएंगे और गांठ लगा देंगे, ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगा। तरह से देखिए यहाँ पे हम फंदा काट चुके हैं, अब इसे निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल सिलने के बाद इस ढंग का लगेगा देखने में, सिलाई पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये मोजा बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। लास्ट तक मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।